आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरे भिंडी की रेसिपी। साथ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे लॉन्ग टाइम तक क्रंची रखने की टिप्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये भिंडी। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे कट करेंगे तो सबसे पहले इसे आगे और पीछे से इस तरह से कट करना है, फिर इसे चार पार्ट में कट कर लेना है। वहीं अगर कोई भिंडी बड़ी है तो उसे सेम इसी तरह से कट करेंगे, लेकिन 6 पार्ट में कट कर लेंगे, जिससे ये इक्वल हो जाएगा। तो बस बिल्कुल इसी तरह से सारी भिंडी को कट कर लेंगे। अब इसे डालेंगे एक बाउल में, फिर इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 नींबू। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे ये भिंडी और इसे तुरंत ही चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने फ्राई कर लिया है। सेम इसी तरह से सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाएंगे, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेकेंड बैच भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।